नमस्कार। जो दर्जा भारतीय राजनीति में गांधी नेहरू परिवार का है, वही हस्ती जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब्दुल्ला परिवार की है। जी हाँ, आमने सामने में आज हमारे साथ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वेलकम टू द शो। ये कहा जा रहा था कि आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिलेगी, मीडिया में इस तरह की बातें थी और आप खुद में डॉक्टर रहे हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिलेगी। और कहां से ये ऑल्टरनेटिव बात, बहुत कुछ कहते थे। आधे कहते थे टूरिज्म होगा, आधे कहते थे कि वो कल्चर होगा, मगर ये सब मीडिया की स्पेकुलेशन थी। फाइनल फैसला जो था वो प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर गांधी ने करना था, और उन्होंने जो भी बेहतरीन समझा उन्होंने वो दिया। और ये महकमा एक है कि जो न सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मिनिस्ट्री का जो टोटल बजट आउटले जिसे कह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़ का है। वो तो आप इसमें क्या कर लेंगे? लेकिन ये बजट है, अगर आप देखें बजट इंसान के काम तक रहता है। अगर आप काम करना चाहेंगे तो बजट में कोई ये नहीं है कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते। जैसा आपकी जरूरत होगी वैसा ये बजट बढ़ेगा, मगर अगर आप उस 1400 करोड़ को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा। आज तक ये एक मिनिस्ट्री वो थी कि जिसको के लोग भी नहीं जानते थे, गोबर गैस मिनिस्ट्री कहते थे। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कश्मीर में छपा जो आज गोबर गैस मिनिस्ट्री दी है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि इसका कितना पोटेंशियल है, वो कोई जानता नहीं है। और जिन स्टेट्स में अवेयरनेस है, जैसे कर्नाटका है, गुजरात है, इन स्टेट्स में जिन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया है वो जानते हैं, दूसरी स्टेट पीछे रह गई। ये सोचा जा रहा था या जो परसेप्शन था कि आपके जैसा कद्दावर नेता जो है उसको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा, जैसे आपने खुद कहा हेल्थ हुआ या कल्चर या टूरिज्म, जो आपके कद के साथ जाता है, तो कहा यह गया कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आपका कद छोटा कर दिया। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, कोई ऐसे कद छोटा नहीं कर सकती, वो इंसान तक है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि ये मिनिस्ट्री मेरे कद को भी ऊंचा कर देगी। थोड़े दिन पहले आपका ये स्टेटमेंट आया था कि मैं देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, और फिर आप बन गए केंद्र में मंत्री। देखिए, राष्ट्रपति का पोस्ट खाली नहीं था, तो वो तो मैं क्लेम कर नहीं सकता हूं। हैदराबाद जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये एक इंसान की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, मगर वो ख्वाहिश इंसान की है कि हो सकता है एक दिन मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं यहां का राष्ट्रपति बनूंगा। मगर केंद्र मंत्री बनना भी कोई कम नहीं है। अगर मैं भारत के आवाम की खिदमत कर सकूंगा वो भी बहुत बड़ी चीज है। कश्मीर में खास करके अब जब आप केंद्र में हैं और उमर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो कश्मीर का जो ये मसला इतने सालों से जो चलता रहा है वो क्या आपको लगता है संभल पाएगा, सुधर पाएगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि यूपीए सरकार यहां आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उमर से वादा किया था कि अगर मैं वापस आया मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक मॉडल स्टेट बनाऊंगा, उसकी हमें उम्मीद है। और हम सब पे जो वहां पे रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, उन सबको ये उम्मीद है कि ये सरकार उस रियासत को उस मुसीबत से निकाल लेगी जिसमें ये कई सालों से पड़ी हुई है। किस तरीके के डॉक्टर मनमोहन सिंह कश्मीर पर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी तरीके से रिलेंट करने के मूड में नहीं दिख रहा है। देखिए, एक चीज लोगों के कंजम्पशन के लिए होती है, एक चीज अंदर से होती है। अंदर से आज भी वो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं बातचीत के। बाहर लोगों को भी खुश रखना है, अगर लोगों को खुश नहीं रखोगे हुकूमत उलट जाएगी। तो इसलिए उनको एक रिटोरिक को उनको दे दीजिए इजाजत रखने की, क्योंकि उनको रिटोरिक रखना है, नहीं तो हुकूमत उड़ जाएगी। लश्कर ए तैयबा के चीफ को उन्होंने रिहा कर दिया, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया लाहौर के कोर्ट ने, तो आप क्या मानते हैं कि ये क्या ये अच्छा कदम है? आप मीडिया देख लीजिए तो मीडिया तो आज जोरों से शोर कर रहा है कि ये गलत है। तो उनमें भी ये है कि कोई ऐसी चीज न हो जाए जिससे भारत के साथ जो पहले ही रिश्ता उनका खराब हो रहा है वो और खराब हो जाएगा। और अगर ये रिश्ता खराब हो जाएगा तो उनके मुल्क को पहले ही नुकसान है, पहले ही वो एक आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर नेबर्स के साथ उनकी लड़ाई और बढ़ गई
तो उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला उन्होंने सब तरफ से पहले कांग्रेस के साथ रहे, फिर एनडीए के साथ रहे, फिर थर्ड फ्रंट के साथ गए और अब फिर वो फाइनली जिसे बोलते हैं कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर से वापस यूपी और कांग्रेस के साथ आ गए। देखिए क्यों सुनिए, ये रियासत बहुत पिछड़ी रियासत है। अगर सेंटर के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमें फोर्सेज की जरूरत है वो सेंटर के पास है, हमें फाइनेंसिस की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए वो सेंटर के पास है, हर एक चीज सेंटर के पास है। अगर हमें सेंटर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तो हम कभी भी उस तेजी से तरक्की नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते थे। आज हम यहां बैठे हैं यूपीए के साथ, क्यों बैठे हैं? फिर एक वादा जो उन्होंने किया है कि हम इस रियासत को एक जन्नत की रियासत बनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो बनेगी, क्योंकि हम दोनों ने, दिल्ली ने और कश्मीर ने इकट्ठे हाथ मिला के बनाना है। पिछले इतने सालों से आप इन वादों के कारण ही वेरियस फ्रंट्स के साथ गए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनडीए हो। हा? लेकिन ऑब्वियसली आपको वो शायद आपके वादे पूरे नहीं हुए। कभी नहीं हुए। क्या गारंटी कि इस सरकार में हो जाएंगे यूपीए के अंदर? मेरे पास वो आला तो है नहीं जिसमें मैं उस जीनी से पूछूं क्या ये होगा या नहीं होगा। ये तो हम देखेंगे, पांच साल में हम देखेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया, ये साबित हो जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी पर और आंच आएगी कि आप लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं कि ये हमको देंगे इसलिए आप हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं? देखिए, लेकिन उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका फायदा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवाम को फायदा है। जब तक शेख साहब थे या फारूक अब्दुल्ला वहां पे कश्मीर में ज्यादा एक्टिव थे तब तक आप लोगों का गांधी परिवार से रिश्ता तो जरूर अच्छा था। हमारा हर वक्त रिश्ता अच्छा रहा, लेकिन राजनीतिक रिश्ता नहीं, हमेशा उसमें 36 का आंकड़ा रहा। मेरे वालिद 20 साल जेल रहे, नेहरू उनका सबसे करीबी दोस्त था। बिल्कुल, दोनों साथ और सवाल इस बात का है कि दोनों जब मिले, मैं वहां था, ऐसे आंसू गिर रहे थे जैसे कि बारिश पड़ रही है, इतना रोना था उनकी आंखों में। मगर ऐसी चीजें बना दी गई थी, ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि नेहरू जैसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक या भूल हुई उस वक्त? देखिए, अब कहना दोनों मर गए, नेहरू भी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं मरी। प्रॉब्लम नहीं मरी, वो जो कश्मीर की प्रॉब्लम थी वो आज तक लोग झेल रहे हैं। खुदा जाने कब तक झेलेंगे, इसमें बहुत सी गलतियां हुई हैं, अल्लाह करे कि आगे कोई गलती न हो। हिंदुस्तान ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है और अभी भी अदा कर रहा है। आपने जब 2006 में शायद ये कहा था कि अगर अफजल गुरु को फांसी दिया जाएगा कश्मीर लहू लुहान हो जाएगा। देखिए अफजल गुरु को आप फांसी देना चाहें करिए, अगर आपके पास सबूत है अहम कीजिए। फारूक अब्दुल्ला उसका जिम्मेवार नहीं है, कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, कोर्ट का फैसला आप लोगों ने करना है। वो मसी पटिशन प्रेसिडेंट के पास बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट क्या फैसला करेंगे उसका आवाम का है। मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि जो आग लगाने वाले हैं वो आग लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकली सही फैसला नहीं होगा? पॉलिटिकली कौन नहीं देखता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, मगर जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट को एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि फॉल आउट इतने ज्यादा होंगे जैसे आज तक वो मकबूल बट को नहीं भूले होंगे। मैं इस रियासत को जलता हुआ नहीं देख सकता, हमने बहुत मार खा ली। अच्छा ये बताइए कि कंधार के मसले पर आपका बहुत बार बयान आया कि यू वर अगेंस्ट, आप उसके खिलाफ थे कि उनको छोड़ा जाए? मैं दोनों चीजों के खिलाफ था, कंधार के खिलाफ भी था और जब पांच को पहले छोड़ा गया मोती साहब की बेटी के खिलाफ, उसके खिलाफ भी मैं था, मैं दोनों चीजों के खिलाफ था। आडवाणी जी इस मसले पर झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था। कैसे हो सकता है, वो खुद कैबिनेट के मिनिस्टर थे, खुद अपने, उसने भी कहा है, क्या नाम है इसका, अपने जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, बैठा हुआ था कैबिनेट में जब इसका फैसला हुआ। ये तो कैबिनेट का फैसला है, ये एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं है। आपने रिजाइन किया था, आपने बोला था कि ये गलत हो रहा है। जब मुझे ये अफसर आए उसको छुड़वाने के लिए इन तीन को, मैंने साफ कहा कि आप भारत की कब्र खोद रहे हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। कौन मानता है, यहां तो खुदा बैठे हुए हैं नौज बेटा।
To watch more, log on to www.news24online.com.